कि हम अपने आप को ईमानदार जिम्मेदार कैसे बनाएं। सोचते तो सब लोग हैं, करने में दुख होता है, करना चाहते भी हैं तो लंबा नहीं कर पाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फिर उसी पैटर्न पर चले आते हैं। भोजन डेली अच्छा लगता है ना, उसमें भी टेस्टी टेस्टी मिले तो और अच्छा लगता है। रोज पनीर मिले, सब्जी मिले, अच्छा खाना, लेकिन 20 मिनट अगर कहा जाता है कि ईश्वर के पास बैठिए, नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं आज के यंग जनरेशन अपने आप को टेक्निक के सहारे कहाँ पहुँचाना चाहता है, इस टेक्निक से कहाँ पहुँचाइएगा। टेक्निक लगा के फिजिक्स पढ़ लेंगे, टेक्निक लगा के रीजनिंग पढ़ लेंगे, टेक्निक लगा के मैथ पढ़ लेंगे, टेक्निक लगा के चौमिन खा लेंगे। ये टेक्निक के सहारे जाइएगा कहाँ। हमारा देश टेक्निक से नहीं चलता था, ये सब भी टेक्निक लगाते रहती है। सभी सोचते हैं छोड़ो मैगी ये खा लेते हैं। हमारा देश टेक्निक के बदौलत विश्व गुरु नहीं बना था, हमारा देश इमोशनल था। और हम लोग क्यों कहें, कोई भगवान हम लोगों को अटेस्टेड करके रजिस्टर्ड कॉपी भेजे हैं कि नहीं तुम लोग भगवान का पाठ पढ़ाओ, या भगवान के पास आप नहीं बैठिएगा तो कल से सूर्योदय बंद हो जाएगा। इसमें से कई सारे लोगों को सिखाया गया, दो दिन करते हैं, चार दिन छोड़ते हैं, पाँच दिन करते हैं, 15 दिन छोड़ते हैं, फिर सो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता है। नहीं लगेगा, बुरा मत मानिएगा, कभी नहीं लगेगा। हमारा मन भटकता है, आप भटकल महतो है ये हैं तो माफ करिएगा, क्या करिएगा, भटकते रहेगा। अरे इतना बड़ा साइंस, जिस साइंस को पूरी दुनिया मान रही है, उसको करने में आपका 5 पैसा खर्च नहीं होना है, 5 पैसा। ईश्वर के पास हम क्यों बैठते हैं, ईश्वर पर एहसान करने के लिए, भगवान के पास क्यों। गुरुदेव ने बताया कि उपासना और साधना दो चीज बताया गया। उपासना किसके, उपासना का मतलब क्या, ईश्वर के पास बैठने का मतलब उपासना होता है। कई ऐसे लोगों को सुनते देखे हैं या सुनते हैं, घर से दूर है, माँ की बहुत याद आती है। ये सब भी भकुआ कहता है, जिस समय कमाएगा माँ के भले वृद्ध आश्रम में पहुँचा देगा। घर से बड़ा दूर है, पापा की याद आती है, याद आती है, आती रहेगी। माँ की, पापा की, परिवार की, समाज की याद तो आती है, लेकिन जो परम पिता है, जो आपको याद कर रहा है, उसके पास कभी बैठने का मन करता है, नहीं, समय नहीं है। कुआं में जाकर कभी आवाज लगाइएगा कि समय नहीं है, वो रिटर्निंग देता है। मनुष्य ये आवश्यक नहीं है कि अपने परिवार के साथ रहे तभी परिवार को प्यार देता है, ये जरूरी नहीं है कि अपने पिता के पास आप हमेशा रहिएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। थोड़े अमृत का घड़ा पी के आए हैं, जो आप जब तक रहिएगा आपके पिताजी आपके परिवार वाले रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, उपासना है। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना, भगवान के पास बैठना, इष्ट के पास बैठना, मालिक के पास बैठना, गुरु के पास बैठना। और क्यों बैठते हैं, हे भगवान हम चाहे दुनिया में कहीं भी हैं, किसी के पास है नहीं है, कोई है या नहीं है, हम आपके पास बैठे हैं पूरी भाव से कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने अपने दिल का जो भी भाव है, जो भी इमोशंस है, जो भी गुण है, जो भी हमारे अंदर है, हमने आपके पास बैठ सौंप दिया है। आप माँ गायत्री के पास बैठ के जब अपनी माँ को याद करिएगा तो लगेगा कि मेरी ममता मई माँ मेरे पास है, जिसकी गोद में बैठ के मैं उसके आंचल का प्यार पा रहा हूं। जब आप गुरु के पास बैठ के भाव करिएगा कि गुरुदेव की गोद में बैठे हैं, लगेगा आपके पिता आपको संभाल रहे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। अरे मेरे मित्र, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी भावनाएं जितनी पवित्र होती है वो भगवान के उतने करीब होता है। और भगवान कौन, भगवान कौन है, मनुष्य को जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार बनाने का काम करते हैं वो साधना है, और वही भगवान का दर्शन है। भगवान कहीं मंदिर में है, कहीं मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में है, नहीं, हमारी भावनाओं में बसते हैं। और जब भावनाओं में भगवान की दर्शन होती है तो हम क्यों धरती पर आए हैं इसके बारे में समझते हैं।
हमारा परिवार के प्रति दायित्व क्या है, हमारा परिवार के प्रति हमारी अहमियत क्या है, हम कितने लोगों को खुश रख पाते हैं, इसमें से पूछिए। आप सेवा करिएगा, हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा से ही सब कुछ सेवा होता है, दुनिया में क्या सारी सेवाएं पैसे से होती है। सेवा अगर करना है आपको बेहतरीन तरीके से, आप आज से संकल्प ले लीजिए कि हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं देंगे। आपसे बड़ा सेवा भाई भावी कौन है। आप ये संकल्प ले लीजिए कि चार ही लोग सही, पांच ही लोग सही, दस ही लोग सही, हमारे साथ दस लोग हैं उनके चेहरे पर हम मुस्कुराहट देंगे। जब हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ये गम देने का अधिकार किसने दिया। हम जब किसी के झोली में अच्छाई नहीं भर सकते तो बुराई फैलाने का अधिकार आपको किसने दिया। एक बहुत बड़ा राइटर लिखते हैं, पत्थर पानी में मत फेंको उसे और भी पीते हैं, जिंदगी हंस हंस के जियो उसे देख और भी जीते हैं। आपको क्या पता, आपको मोटर से पानी मिल जाता है, आरओ से पानी मिल जाता है, जलनल से पानी मिल जाता है, आपको तो लगता है हमारा तो पानी से पेट भर गया, पत्थर उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, बहते हुए नदी में बहा देते हैं, गिरा देते हैं और सोचते हैं हमारा क्या। अरे पत्थर पानी में मत फेंको उसे और भी पीते हैं। आपका पेट भर गया तो जरूरी थोड़े है कि सबके घर में आरओ लगा है। आप बढ़िया जींस पहन लिए, बढ़िया ब्रांड का शर्ट पहन लिए तो ऐसा थोड़े है कि सब बच्चे के पास ब्रांड होगा, अब उसको जाके दिखा रहे देखो ब्रांड का खरीदे। हो सकता है उसके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो अंदर अंदर घुटता हो कि भैया ब्रांड का पहने हैं हम नहीं पहने हैं। अब क्यों ऐसा कंपेयर करते हैं और जिंदगी हंस हंस के जियो। इतनी छोटी जिंदगी मिली है, उसमें भी महाराज कोई 20 साल का हो गया, कोई 22 साल, कोई 24 साल, कोई 28 साल, कोई 30 साल, मने नहीं लगता है। चल जाइए हिमालय में जाइए, मने नहीं लगता है। हमको बहुत पुराना बात है, जब पुराना समय था उस समय कुछ यादें नहीं आया, अब समय आया है कि हंस के मेहनत करके रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करे तो कभी मौसा याद आते हैं, कभी फुफा याद आते हैं, कभी जीजा याद आते हैं। यहाँ किताब खुला हुआ है, जीजा चल जा जीजा के पास, कहला फिजिक्स लेके खोल के बैठे हो। मम्मी याद आती है तो कहला भकुआ आया पटना, मम्मीये के पास रहता, गांव में मस्त खेती करता, मम्मी भी कहती वाह हमार बउआ किसान है, फसल जल जाता है, मम्मी के कहता मम्मी जल गई लो। जाइए महाराज, लाइफ चलता है ना तो बहुत बात बोलते हैं, ये अभी प्रीफिक्स खाली लगाए हैं हम। ये उपासना जब ईश्वर के पास आदमी बैठता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप भले भोजन एक दिन मत करिए लेकिन भगवान के पास बैठना, आप लोगों से भी कह रहे हैं, और दुनिया का सबसे सुकून वाला क्षण होता है जब परमात्मा के पास बैठ के अपने हृदय से लोग हृदय मिलाता है। नशेड़ी जितना नशा करके मस्त नहीं होता है, जब ईश्वर के पास आदमी बैठता है तो उतना मस्त होता है। लाख तनाव हो, लाख टेंशन हो, लाख परेशानी हो, जब दीपक जला के और गुरुदेव के पास बैठ के पूरे भाव से आदमी कहता है एक तुम ही आधार ही सदगुरु, एक तुम ही आधार, जब तक मिलो ना तुम जीवन में शांति कहां मिल सकती, मन में खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम ही आधार। लगता है गुरुदेव अपने गोद में बैठा के सिर पर हाथ रख के सहला रहे हैं, और ऐसा भाव जागृत होता है कि इस दुनिया में कोई है या ना है, हमारे गुरु है, हम दुनिया को जीत के दिखा देंगे। इतनी ताकत है, धन रहे, दौलत रहे, ना रहे, रुपया रहे, पैसा रहे, परिवार रहे, ना रहे, लेकिन तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। गाना सुने है ना, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, मजा लेना तो सीखिए। आप लोग मजा कहाँ लेते हैं, नंबर दोगी जा सुपरलेटिवे डिग्री है का जी तू सर है, उसी में खुश है। नंबर मिला तो उन्हें सीढ़ी से उतर जाएगा नीचे, अभी गायत्री मंदिर में ही हो, एहसान गायत्री माता पर कर रहे हैं है? और पास बैठने के बाद साधना शुरू होता है। जब ईश्वर के पास बैठे तो साधते हैं अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी दुर्भावनाओं को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की निगेटिविटी को, आपके अंदर अपने अंदर के कुकर्मों को साध के बाहर करते हैं। साधना किसकी,
जीवन देवता की, साधना किसकी, अपने जीवन देवता की। अब साधते हैं, हे मालिक ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। आपके पास जिस भाव से आकर मैं बैठा हूं, आपके पास जिस उद्देश्य से मैं बैठा हूं, न धन चाहिए न दौलत चाहिए न रुपया न इज्जत न शोहरत, वो तो आप दीजिएगा, अपने आप दीजिएगा। पिता से कहना पड़ता है कि पापा रूम रेंट भेजिए, माँ से कहना पड़ता है छोटे बच्चे को कि माँ सीने से लगा के दूध पिला दो, माँ मुझे भोजन करा दो। माँ के सामने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मांगने की जरूरत पिता से नहीं होता है, और मांगने वाला बेटा नहीं भिखारी होता है, बेटी नहीं भिखारी, जो मांगता है वो भिखारी है। मांगने की आवश्यकता कहाँ है? अरे जब हमारे पिता हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तो ये तो परम पिता है, ये परम पिता है। आप इनके सामने गिड़गिड़ाइए मत, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, सुख दे दीजिए, चैन दे दीजिए, सब देंगे। आपके पिता जैसे आपको संपूर्ण देते हैं, जब 20 मिनट आप साधिएगा, मेडिटेशन करिएगा, तो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी मस्तिष्क के माध्यम से आपके बॉडी में ट्रांसमिट होता है, आपके अंदर की निगेटिविटी को समाप्त करता है, आपके अंदर की दुर्भावनाओं को समाप्त करता है, आपके अंदर छुपे हुए बहुत सारे ऐसे कला कलमस दुख कष्ट सारी चीजें, जैसे धूप निकलने के बाद आप देखिएगा या आग जलाने के बाद मोम पिघलने लगता है, वैसे ही गायत्री की साधना करने के बाद आपके अंदर की दुर्भावनाएं समाप्त होने लगती है। और गायत्री मंत्र देता क्या क्या है, वेद ने स्पष्ट लिखा है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पौमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति दविणम नमचर्स मह्यम दत्वा प्रजत्तर ब्रह्म लोकम। दुनिया में आपने जितना सोचा है जितना समझा है, अगर पूरी भाव से करते हैं गायत्री की साधना, आपको मिलता चला जाता है। साधारण गडेरिया के लड़के ने जीवन में अपनाया शिवाजी बने, नास्तिक नरेंद्र ने अपनाया विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले ने अपनाया कलाम बने, पंप पर तेल देने वाले ने अपनाया धीरू भाई अंबानी बने, अर्धनग्न फकीर ने अपनाया गांधी बना, चौथे पास व्यक्ति ने अपनाया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, तो अनपढ़ गवार व्यक्ति ने अपनाया तो दशरथ माझी बने, अंगूठा छाप व्यक्ति ने बना अपनाया तो अपने जीवन में परिवर्तित करके माइलस्टोन खड़ा करके रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए, दलित के बेटा ने अपनाया तो भीमराव अंबेडकर बने। हम लोग अपनाएंगे तो आए हैं साधारण परिवार से बनेंगे पदाधिकारी और तब यहां से जाएंगे, इतनी ताकत इसमें है। दुर्भाग्य समझ में नहीं आता, खाना आता है, सोना आता है, मोबाइल चलाना आता है, लेकिन जिससे पूरी जिंदगी सुधरनी है बननी है, जिससे पूरी दुनिया का इतिहास बदल देना है, वहां टाइम नहीं है, मन नहीं लगता, आज थोड़ा टेंशन में है। अरे महाराज इतना टेंशन आ जाएगा कि उठ नहीं पाइएगा, ये टेंशन रिलीज करने का दवा बताया जा रहा है आपको। एक बार समझ लीजिए, एक बार अगर आप इस चीज को अपना लिए, जीवन में जो चाहिएगा जैसे चाहिएगा अपने बूते प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हम अच्छा बने, अच्छा बनते हैं। आप सोचते हैं मेरा मित्र दुष्ट मिले, मिल जाता है, जो जैसा रहता है। एक खैनी खाने वाला अपने ग्रुप में खैनी खाने वाले को खोज लेता है, एक नशा करने वाला नशेड़ी को खोजता है, गांजा पीने वाला गंजेड़ी को खोजता है। दुर्भाग्य आज के युवा पीढ़ी का, अच्छे हैं अच्छे लोग हमें नहीं मिलते, नहीं मिलते, क्योंकि हमारी दुर्भावनाएं बार बार हमारे मन को कमजोर करता है, और मन को मजबूत बनाने का विज्ञान जो भारत का अध्यात्म है हमको अपनाने में शर्म आता है। ध्यान करने बैठे थे, मौसी आके अका दी सब का कर, पढ़े के उम्र है, मौसी के पता है कि तू का करता है, मौसी के पता है कि तुम रूम बंद करके बाथरूम बंद करके मोबाइल में क्या क्या देखते हो, मौसी के पता है कि ये लोग क्या कर रही हैं। जिस उम्र में पढ़ने का प्रतिभा को विकसित करने का उम्र है, उस उम्र में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मौसी एक बार कह दी, मौसी के बाबू छोड़ दिए, यहाँ बबनी लोग छोड़ दी, आप जीवन में जो गलत काम करते हैं मौसी को पता है कि हमारा भतीजा हमारी भतीजी क्या क्या गलत कर रहे हैं। अरे मेरे मित्र, एक बार जीवन में जब साधना आता है तो अपने आप, गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, जब मौका मिले जरूर पढ़िएगा, साधना में प्राण आ जाए तो चमत्कार हो जाए, साधना में प्राण आ जाए तो चमत्कार हो जाए। एक बार प्राण लाने की जरूरत है, ठान के बैठिए
इस भाव से कि हे परमात्मा, हमें अगर आपने मौका दिया है तो हम अपने जीवन को शानदार बनाएंगे, हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, और हम सबसे निवेदन करेंगे, भाव भरा निवेदन करेंगे। 13 तारीख को अपना गुरु पूर्णिमा आ रहा है, इसी 13 को दिन कौन सा, बुधवार, आप गुरु पूर्णिमा के दिन आकर यहीं पर 5:30 बजे से अपना कार्यक्रम होगा। भजन संध्या का आयोजन है, गुरु का दिन है, आप सारे लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप समय से घड़ी देख के 5:20 होते होते आके बैठ जाइए। ये नहीं सोचिएगा आज मेरा क्लास है, ये है वो है, दोस्त के लिए कितना क्लास छोड़े, घर पर जब मौका मिला मामा फूफा के शादी में छोड़े। संकल्प के साथ लास्ट में पूरी बातों को बताई जाएगी। भजन संध्या में 13 तारीख को शामिल हो और उस दिन से संकल्प ले ले कि हे परमात्मा, आपने जो मेरे जीवन में प्रतिभा का समावेश किया है, मैं इसका सही सुनियोजन करूंगा, और उसी दिन से साधना नहीं तो भोजन नहीं, स्वाध्याय नहीं तो निंद्रा नहीं, इसको अपनाइए। जीवन में आपको जो चाहिए, हम इस जागृत शक्ति पीठ से कह रहे हैं, जलते हुए दीपक के सामने, आपको जो चाहिए परमात्मा आपकी झोली में देंगे। हम सबको मिला, सबको मिला, जिसने भाव से दिया आप क्यों खाली रह जाएंगे। तो आप भिखारी बनकर भगवान से, ईश्वर से, गुरु से मत मांगिए, बेटा और बेटी बनकर मांगिए, आपकी झोली भर देंगे।